आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में आज दो दो खुशियाँ एक साथ आई हैं। तो आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों खुश हूँ और मेरे लाइफ में कौन सी दो दो खुशियाँ आई हैं। राम राम, आदाब, कैसे आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गाँव से हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में दो दो खुशियाँ एक साथ आई हैं। तो मैं अपनी खुशियाँ आप सभी के साथ ही शेयर करूंगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो और किसके साथ शेयर करूँ? तो आप भी मेरे अपने ही हो, तो इसलिए मैं अपनी खुशियाँ आप सभी के साथ ही शेयर करूंगी। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बहुत बार बताया कि मेरा बेटा था, उसकी डेथ हो गई। आज वो अगर जिंदा होता तो 25-26 साल का हो जाता। मेरे पति के फ्रेंड थे हैदराबाद से, उनका एक बेटा था, उसको अपने मम्मी पापा की जरूरत थी और मुझे एक बेटे की, तो उसने हमें अपना मम्मी पापा बनाया और हमने उसकी शादी भद्रवाह से करवाई। आज उसको बेटा हुआ है तो मैं आज दादी अम्मा बन गई। दुनिया की सबसे खुशी मिलती है जब कोई दादा दादी या नाना नानी बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों के बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है इसी बात पे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं दादी अम्मा बन गई हूँ। हाँ, इधर नहीं है, वो हैदराबाद में है। जब वो इधर आएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आदित्य और दामिनी बेटा, थैंक यू सो मच मुझे ये खुशी देने के लिए। मैं दिल से आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे अपने बच्चे के साथ में, आपकी लाइफ में कभी कोई दुख ना आए। उन्होंने मुझे ये फोटो भेजी है तो इसको मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ। देखो, लग रहा है ना, मेरा पोता बिल्कुल मेरे जैसा, सेम मेरे जैसा है। मेरे जैसे मोटे मोटे गाल हैं इसके, आप देख सकते हैं। और आप सब भी इसको आशीर्वाद देना, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, तो मेरे पोते को ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा आशीर्वाद देना। तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरी दूसरी खुशी। आपके लिए तो ये छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे फोन चलाना भी नहीं आता था। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसको भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे फोन पकड़ना भी नहीं आता था। तो धीरे धीरे मैंने फोन पकड़ना भी सीखा, वीडियो बनाने भी सीखी। सबने मेरी मदद की, ऐसे नहीं कि मैंने खुद से सीखा है, बच्चों ने और भी बहुत सारे बच्चे मुझे यूट्यूब पे मिल गए, भाई बहन मिले, सभी ने मेरी मदद की है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मदद नहीं की है, सबने मेरी मदद की है। किसी ने वीडियो बनाना सिखाया, किसी ने मुझे वीडियो बना के भेजी, किसी ने आगे सब्सक्राइबर बढ़ाए, मतलब बहुत सबने मेरी मदद की है। कोई ऐसा नहीं है जिसने मेरी मदद नहीं की है, सबने मेरी मदद की है। तो मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आज ना मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो इसी की मुझे खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है, ठीक से वीडियो बनानी नहीं आती है, मेरी वीडियो देखेगा कौन? लेकिन बनाई उस टाइम, तो आज 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, 1,000 आदमी मेरे साथ जुड़ गया। मेरी मम्मी डैडी के डेथ के बाद जब मेरी लाइफ में एक ऐसा तूफान आया, उस टाइम में से बात करने वाला कोई भी नहीं था। मेरे फोन में जितने भी नंबर थे मैं उन पे कॉल करती थी कि कोई मेरे से बात करे, लेकिन सभी बिजी होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता बात करने के लिए। तो मैं उस टाइम बोलती थी कि कोई मेरे से बात करे जिसके साथ मैं अपने दुख की बात बताऊं। वो मुझे बोले कि हम तेरे साथ में हैं, ऐसा क्यों कर रही है, रो मत, हिम्मत रख ले। लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था। मुझे वो दिन मैंने बहुत मुश्किल से काटे हैं। दिन में बच्चे स्कूल जाते थे और दिन में मैं अकेली हो जाती थी, सुबह शाम का नहीं था, सुबह शाम बच्चे रहते थे मेरे साथ में, लेकिन दिन काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि मेरे से रहा नहीं जाता था। मैंने बहुत मुश्किल से काटे हैं, दुख के जो दिन होते हैं ना, वो काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मेरी बेटी ने मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना सिखाया तो मैं उधर बिजी हो गई। फिर मेरे भाई ने मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बोला तो मैं यूट्यूब पे बिजी हो गई। बनाना नहीं आता था मुझे, आज भी नहीं आता उतनी अच्छी तरह की, मैं उतनी अच्छी सी वीडियो बना पाती हूँ नहीं आता है, लेकिन तब भी मैं बिजी हूँ। अपना घर का काम करती हूँ तो उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो में बिजी हो जाती हूँ। तो आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी खुशी दी है। शाम को जब मुझे पता चला कि मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं बहुत खुश हूँ। तब से सभी ने मुझे कॉल किए है, मैसेज भी किए हैं, मेरे बच्चे सभी खुश हैं, सभी मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुझे ना अच्छा भी लग रहा है क्योंकि कहाँ तो कोई भी नहीं था बात करने के लिए, और आज मेरे पास 1,000 आदमी जुड़ गया है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, दूसरों के लिए नहीं है, जैसे मुझे सुबह ही कोई बोल रहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे लिए ये सच में बहुत बड़ी बात है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। कोई कुछ भी बोले, मुझे किसी से कुछ नहीं है। किसी ने मुझे अच्छा बोला उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने मुझे बुरा बोला उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई मुझे किसी ने जिसने मुझे गलत भी बोला है मुझे उससे भी कुछ नहीं है। मैं उससे भी खुश हूँ। मैं उसके लिए भी भगवान से दुआ करूंगी कि जो दुख मैंने देखा है वो किसी की लाइफ में ना आए, आपके बच्चों के लाइफ में ना आए। मैं हर किसी के लिए दुआ करूंगी कि जैसे मैं बिजी हो गई हूँ, खुश रहती हूँ, मैं ऐसी खुशी आपकी लाइफ में भी आ जाए। बोलने वाले भी खुश रहे, और जो बोलते हैं, जो अच्छा बोलते हैं वो भी खुश रहे, जो बुरा बोलते हैं वो भी खुश रहे। मैं हर किसी के लिए दुआई करूंगी। सभी ने मेरी मदद की है, कोई ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्होंने मेरी मदद की है। वो मुझे बोलते थे, आंटी आपने यहाँ पे गलत किया, अबू आपने यहाँ पे गलत किया, मम्मा आपने यहाँ पे गलत किया, ऐसे करो, इसके वैसे करो। सभी ने मुझे सिखाया। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा हो जिसने मुझे सिखाया नहीं है, सब ने मुझे सिखाया। और कई फंक्शन में जाते थे तो उधर बच्चे बोलते थे, रुको हम वीडियो बनाते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ वीडियो बना के दी, क्योंकि आप तो जानते हैं गांव में यहाँ से काम करना बहुत मुश्किल है। जैसे फोन पकड़ के खड़े हो गया तो सभी बोलते थे, देखो इसको शर्म नहीं आती है, वीडियो बनाती है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो उस टाइम बच्चों ने भी मेरी बहुत मदद की है। बच्चे मुझे वीडियो बना के देते थे, लेकिन अब मुझे शर्म नहीं आती है। अब मुझे नहीं, अब मैं सीख गई हूँ, तो अब मुझे नहीं, अब मुझे कोई कुछ भी बोलता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं होती है। जिसने जो बोलना वो बोलते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं धीरे धीरे सीख गई हूँ, तो अब मैं खुद भी बना लेती हूँ। लेकिन पहले पहले बच्चों ने मेरी बहुत मदद की है, और बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, आपकी लाइफ में कभी कोई दुख ना आए, जो आपके सपने हैं वो पूरे हो। मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ मीनाक्षी का, क्योंकि फर्स्ट में उसी ने मुझे वीडियो बनाना सिखाया था, और यूट्यूब पे जब मैं वीडियो बनाती थी तो उसी ने मुझे वीडियो बनाना सिखाया, क्योंकि मुझे तो फोन पकड़ना भी नहीं आता था। उसी ने मुझे फोन पकड़ना भी सिखाया, वीडियो एडिट करना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, उसी ने मुझे सिखाया। तो आज मैं सुबह से उसका वेट कर रही हूँ कि कब वो आए और मैं उसको बता दूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। अभी मैं शॉप पे हूँ, यहाँ लोग भी आए हैं शॉप पे, और बहुत सारे मुझे मुबारकबाद भी दे रहे। मेरे एक दीदी हैं, वो तो डेली आते हैं, तो आज उन्होंने सुना वो भी आए हैं। तो शाम को रखी है बच्चों ने छोटी सी पार्टी, तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको जो भी होगा पार्टी में, छोटी सी पार्टी रखी है, उतना कुछ नहीं है, छोटी सी पार्टी रखी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं तैयार हो गई, और ये देखो ये आगे मेरे मदद करने वाले। हम भी तैयार हो गए। हम खुद लाते हैं। मैं अपनी रानी के साथ ना बैठूं। हमारी आज की छोटी सी पार्टी ख़त्म हो गई, क्योंकि गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए नहीं बैठता कोई, बस थोड़े टाइम के लिए आए और चले गए। आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी ने मेरी बहुत मदद की है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी मेरी ऐसे ही मदद करते रहना। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।